वाले हैं स्वीट मैंगो पिकल। ये जब मैंने पहली बार बनाया था, मेरी एक फ्रेंड हिप्सा को मैंने ये टेस्ट करवाया था, तो उसको काफ़ी पसंद आया, तो उसने तुरंत जाके घर में ट्राई किया, तो उसकी जो कुकिंग मेड थी इंडोनेशियन, उसको काफ़ी पसंद आया, तो उसने अपने घर पे बनाया। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इंडिया का खाना इंडोनेशिया में भी लोग पसंद करने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कुकिंग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग बनाएंगे स्वीट मैंगो पिकल। इसके लिए हमें कच्चा आम चाहिए, ये मैंने लिया है। अभी मैंने इसको अच्छे से धो के फिर टॉवल पे इसको ड्राई कर दिया। फिर इसको अभी हम लोग बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखिए, ये गीला नहीं होना चाहिए या फिर एक बूंद भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अभी मैंने दोनों आम को छील लिया है, अभी मैं इसका कट करूंगी बड़े बड़े टुकड़ों में। जब पहली बार मैंने ये मैंगो पिकल बनाया था, मेरे फ्रेंड्स लोगों को खिलाया था, तो उनको बहुत ही पसंद आया था। तो अभी मैं दूसरी बार ये ट्राई कर रही हूँ, तो सोचा रिकॉर्डिंग भी कर लूँ उसके साथ। अभी सारे मैंगो पीसेस में मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी, जैसे कि नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर। कलर के लिए मैंने देगी मिर्च पाउडर भी डाला है इसमें, और लास्ट में शुगर। ये सब डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे और करीबन 3 से 4 घंटा इसको रखेंगे ताकि शुगर अच्छे से घुल जाए। इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से कोट हो जाए मैंगो पीसेस के ऊपर। अभी हम लोग इसको मिला के 3 से 4 घंटा मिनिमम रख देंगे ढक के। 1 घंटे के बाद आप देखिए, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो इसमें आप शुगर थोड़ा ऐड कर दीजिए। ये आम के खट्टे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना मीठा आपको चाहिए। अभी मैंने मेथी और सौंफ लिया है, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है ताकि नेक्स्ट टाइम मेरा यूज भी हो जाएगा पिकल बनाने में और ग्राइंड करने में इजी भी रहेगा। इसको मैं पिकल बनाने के बाद लास्ट में ऐड करूंगी ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टिप मेरी मामी ने मुझे दिया था। लास्ट में मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ और इसको ड्राई रोस्ट कर दूंगी और ठंडा करके ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए, 4 घंटे के बाद शुगर हमारा अच्छे से घुल गया है और आम का सारा जूस भी निकल गया है। अभी इसको हम लोग धीमी आंच में गैस के ऊपर रख देंगे इस तरह से। पहले आप थोड़ा फ्लेम हाई रखिए, जब एक उबाल आ जाएगा इसमें तभी हम लोग फ्लेम थोड़ा मीडियम या फिर उससे थोड़ा सा कम कर देंगे और इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि हमारा नीचे वो चिपक ना जाए। देखिए एक उबाल आ गया है। ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये कितना थिक हो गया है और हमारा आम भी पक गया है। अभी मैं इसमें मेथी, सौंफ और जो हींग का मैंने ग्राइंड करके पाउडर बनाया था उसको मैं ऐड करूंगी। अभी इसको लास्ट में मैंने थोड़ा सा कलौंजी ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो करो, नहीं तो नहीं। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी, ठंडा करके एक बाउल में निकाल दूंगी। देखिए थोड़ी देर के बाद ये और ज़्यादा थिक हो गया है। अभी इसको हम लोग एक ग्लास जार में रख देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई कुकिंग चैनल। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।